Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the last topic of the life processes chapter, chapter number 6 of the 10th class, that is excretion. Excretion is our last topic and in excretion what we have to study. जब हमने ट्रांसपोर्टेशन करा था हमने देखा था कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है वो चाहिए लंग्स के थ्रू हार्ट में हम उसको आर्टरीज के थ्रू वेन्स के थ्रू किस तरह से पहुंचा रहे थे और उसके बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो बॉडी के ऑर्गन्स में है जो नहीं चाहिए वो हार्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे थे और हार्ट का काम था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसको लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देना. ठीक है, तो जितना जो वेस्ट था कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो तो हमने बाहर भेज दिया, लेकिन अभी भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट है. फॉर एग्जांपल यूरिया है ब्लड में, यूरिक एसिड है. अब उसको बॉडी से बाहर भेजना है तो हमें करना पड़ेगा एक्सक्रीशन की हेल्प लेनी पड़ेगी. नाउ एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज ए यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड. ठीक है, तो दैट इज डन इन एक्सक्रीशन पोर्शन. एक्सक्रीशन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ किडनी, दैट इज द यूरिनरी सिस्टम. आप देख रहे हैं पिक्चर यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम की क्या है. दिस इज द यूरिनरी सिस्टम. अब यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास किडनीज प्रेजेंट है जिसके ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट है. ठीक है, ये वाइट वाला जो पोर्शन है दैट इज ग्लैंड. ये जो बीन शेप का आपको दिख रहा है दिस इज किडनी. वन पेयर एंड द सेकेंड पेयर, देयर आर टू किडनीज, है ना. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमेन में. ठीक है, एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है. और जो हमारी बैकबोन होती है, ठीक है, जो हमारी बैकबोन होती है उसके दोनों साइड पे आपको वन वन किडनी, आपके पास टोटल टू किडनीज है, किडनी देखने को मिलेगी. किडनी किसके साथ अटैच होते हैं? यूरेटर्स के साथ. ये जो पाइप्स आपको दिख रही है जो किडनी से निकल रही हैं और नीचे जा रही हैं, दीज आर नोन एज अ यूरेटर्स. यूरेटर्स के बाद ये जो आपका यूरिन है यहाँ पे फॉर्म होगा और फॉर्मेशन के बाद यहाँ से पास होते हुए यहाँ स्टोर हो जाएगा. दिस इज द स्टोरेज एरिया ऑफ द यूरिन और इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. वेयर इज द ब्लैडर? मसल्स टू कीप द ब्लैडर क्लोज. तो ये है यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के बाद जब आपको लगता है नाउ इट इज अ टाइम टू पास आउट द यूरिन तो आप यूरिथ्रा के थ्रू, दिस इज द लास्ट पोर्शन, यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को बॉडी से पास आउट करते हैं. मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को आप बॉडी से बाहर निकालते हैं विद द एक्सेस ऑफ वाटर यू हैव इन योर बॉडी. नाउ हाउ दे वर्क, यहाँ पे देख लेते हैं एक्सक्रीशन वाला सिस्टम किस तरह से काम करता है. वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, यानी दो किडनीज हैं. देयर इज अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो यूरेटर्स की आपके पास पाइप है, वन एंड टू. देन आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें आपको स्टोरेज करना है, दिस इज द स्टोरेज एरिया. और उसके बाद आपको यूरेथ्रा के थ्रू आपको यूरिन को पास आउट कर देना है, दिस इज द यूरेथ्रा. ठीक है, तो ये आ गया एक्सक्रीशन वाला सिस्टम. नाउ इन दिस एक्सक्रीशन सिस्टम द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपका किडनी का है, जिसको हम बोलते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज अ नेफ्रॉन. किडनी कहाँ थी? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट थी, ऑन द बैकबोन के दोनों साइड पे वन वन किडनी इज प्रेजेंट. यूनिट जो आपका मेन बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो है नेफ्रॉन. इसका नाम पता होना चाहिए. ये जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं कितने नंबर में? एक किडनी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में. और ये नेफ्रॉन्स होते क्या हैं? ये पिक्चर आप देख रहे हो, दिस इज द नेफ्रॉन पिक्चर. ठीक है, ये नेफ्रॉन में आपको इस तरह से ये कटोरी के कप शेप का ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज अ बोमन कैप्सूल. ठीक है, जिसको मैंने कलर कर दिया आप, दिस इज बोमन कैप्सूल. बोमन कैप्सूल से ये वाला जो आपका पोर्शन निकल रहा है इस तरह से, दिस इज नोन एज अ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. दिस इज नोन एज अ पीसीटी, ये वाला पोर्शन, दिस इज पीसीटी. उसके बाद एक लंबी सी रोड बन के वो नीचे की तरफ जाती है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. ये जो यू शेप की आपको दिख रही है ना इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, दिस इज नोन एज अ लूप ऑफ हेनले.
एंड उसके बाद ये जो एरिया है इस तरह से, फिर इस पाइप ने इस तरह से शेप ले ली, दिस इज नोन एज अ डीसीटी। ये वाला जो पोर्शन है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी बोलते हैं इसको। एंड द लास्ट ये जो स्ट्रेट आपको इस तरह से दिख रही है, दिस इज नोन एज अ कलेक्टिंग टिब्यूल। हर एक पोर्शन का अपना अपना एक फंक्शन होता है। और क्या फंक्शन है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहीं से, जो उसका फर्स्ट पोर्शन था, दिस इज द कप शेप। ये जो इसका स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में क्या होता है कि जब भी एक्सक्रीशन करना होता है ना, तो जैसे मैंने कहा कि ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाहर निकाल दी, अब ब्लड में ही आपका कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में, हमने तो उसको निकालना है। यूरिया और यूरिक एसिड को हमें नहीं चाहिए बॉडी के अंदर। तो जो आपका एक्सक्रीट, जो ब्लड वाली जो आर्टरीज है, यहाँ पे आप देख रहे हो रेड कलर की, देन ब्लू कलर की वेन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जब भी किडनी का पोर्शन हम रीड करते हैं ना, तब रीनल वर्ड दिमाग में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि जब भी हम लीवर की बात करते हैं तब हिपैटिक वर्ड दिमाग में आना चाहिए, जब हम स्टमक की बात करते हैं तब गैस्ट्रिक वर्ड दिमाग में याद रखना चाहिए आपको। उसी तरह से जब किडनी की बात करते हैं तब रीनल वर्ड याद रखना है। रीनल आर्टरी यानी किडनी की आर्टरीज हैं ये। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड की सप्लाई करवाती हैं हर एक ऑर्गन को, है ना, यही काम होता है आर्टरी का। अब यहाँ पे रीनल आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है और किडनी के हर एक पोर्शन को दे रही है, यानी नेफ्रॉन को भी ब्लड दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये आर्टरी कुछ उसमें स्मॉल स्मॉल वेसल्स में डिवाइड कर गई है। जब भी आर्टरी किसी स्मॉल वेसल्स में डिवाइड करती है तब उस पोर्शन को क्या कहते हैं, कैपिलरी। तो यहाँ पे एक कैपिलरीज का नेटवर्क बना दिया उसने, यहाँ पे कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना दिया, और उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, रियुलस, ठीक है, ये बोल दिया हमने उसको। एक कैपिलरीज का जो नेटवर्क बना है वो इस तरह से है कि ये आर्टरी आई, उसके बाद वो स्मॉल स्मॉल वेसल्स में डिवाइड करगी, फिर उसके बाद फिर से इकट्ठी होगी। यहाँ पे इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। और जब उसके बाद इसका काम हो गया, कैपिलरीज में डिवाइड होगी, फिर से इकट्ठा होगी, तो आपकी इफरेंट आर्टेरियोल वो बना देती है। आपको नाम नहीं याद करने, ये जो कैपिलरीज है ना, इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो किस चीज का काम करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये काम होता है बोमन कैप्सूल का। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर कैपिलरीज का एक क्लस्टर है, एक नेटवर्क है, और वो नेटवर्क जो कैपिलरीज का बन गया है उनके पास बेटा पोर्स होते हैं, ताकि वो ब्लड में से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको निकाल के अपने में समेट ले और ब्लड के अंदर प्यूरिफिकेशन कर दे। मतलब ब्लड को ही तो प्यूरिफाई करना है ना, ब्लड के अंदर का जितना नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो निकाल के बाहर करना है, वो यूरिन में इकट्ठा करना है। जितना एक्सेस ऑफ वाटर है बॉडी से उसको बाहर निकालना है, जितना नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको बाहर निकालना है। तो ब्लड को एक तरह से प्यूरिफाई करने, यहाँ पर भी किडनी का यही काम होता है। तो ये जो कप शेप हमारा बोमन कैप्सूल है, जिसमें हमने एक नेटवर्क इकट्ठा करके रखा है, कैपिलरीज का क्लस्टर है, उस क्लस्टर में पोर्स होते हैं, सो दैट दे कैन डू द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, बोमन कैप्सूल। ये फर्स्ट पार्ट था किडनी का, नेफ्रॉन का। नाउ जो आपका बोमन कैप्सूल है उसकी कैपिलरीज ने तो ये कर दिया, अब आगे यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आ गया है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आ गया है इस कप शेप में, वो आगे पास आउट हो रहा है, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, पीसीटी में। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये देख रहे हो आप, फुल फॉर्म यहाँ लिखी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी वाले एरिया में जैसे ही आपका ये फिल्ट्रेट पहुंचा, तो उसका क्या हुआ, मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन, ये वर्ड याद रखने हैं। फर्स्ट पार्ट जो बोमन कैप्सूल था उसका काम था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, ब्लड में से जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है या एक्सेस ऑफ वाटर है उसको निकाल के पीसीटी की तरफ भेज देना। अब पीसीटी का काम है जितना मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन करवा सकता हूँ कर देता हूँ। किस चीज का रीअब्सॉर्प्शन करवाना है,
कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स जो ब्लड को चाहिए, जो ग्लूकोज चाहिए ब्लड को, जो अमाइनो एसिड चाहिए, वाटर चाहिए, वो पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब ब्लड को चाहिए तो ब्लड में वापस भेज दिया हमने, रीअब्जॉर्ब करवा दिया। अगर एक्सेस लगता है वाटर का तो आप उसको यूरिन में ही रहने देंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। लेकिन अगर आपको लगता है कि दिस वाटर इज नीडेड बाय द ब्लड, तो आप उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। किन किन चीज़ों की? सॉल्ट्स की, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की, वाटर की। कौन से एरिया में? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। अब जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो जो आपका वेस्ट वाला वाटर है, वेस्ट वाले जो सॉल्ट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, उससे यूरिन बन जाएगा। नाउ यूरिन विल पास थ्रू द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में भी वाटर की बहुत अच्छी रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जितना वेस्ट है वो एडअप हो जाएगा यूरिन में, जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो एडअप हो जाएगा यूरिन में। एंड देन इट विल पास टू द डीसीटी, फिर आएगा डीसीटी में यूरिन, फिर उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। इस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू, रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू। और जैसे ही यूरिन बनेगा, ये जो एक्सेस ऑफ वाटर हम बोल रहे थे ना, एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी को नहीं चाहिए, और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो नहीं चाहिए, उसका बन गया है यूरिन। यूरिन जो है वो यूरेटर में एंटर करेगा, किडनी का काम खत्म। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स थे उन्होंने क्या करा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू, उन्होंने क्या करा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू और पीसीटी ने री एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमें यूरिन बना के दिया। अब यूरिन जो बन गया है किडनी में, वो पास आउट कर दिया हमने यूरेटर में। देर आर टू यूरेटर, यहाँ पे भी कुछ यूरिन का पोर्शन बना है, दैट विल पास इन टू द यूरेटर। अब दोनों में यूरिन है, यूरिन पास होते हुए यहाँ से और यहाँ से, कहाँ पे स्टोर कर लिया हमने, कहाँ पे कलेक्ट कर लिया हमने, यूरिनरी ब्लैडर में। ये रहा ब्लैडर। ब्लैडर की वॉल होती है मसल्स से बनी हुई। क्यों? क्योंकि हम कई बार मार्केट गए हैं, यूरिन पास नहीं करना है, तो उसको स्टोर करके रखे रखते हैं हम। मस्कुलर इसकी वॉल्स हैं, लेकिन इनका कनेक्शन किसके साथ है? ब्रेन के साथ भी है, ठीक है? ब्रेन को मैसेज आता है, योर ब्लैडर इज फुल, यू हैव टू पास द यूरिन, यू हैव टू पास द यूरिन। देयर इज अ मैसेज विच इज कन्वे टू द बाय द नर्व्स। देयर आर नर्व्स दैट टेल द ब्रेन दैट ब्लैडर इज फुल, तो यू हैव टू पास द यूरिन। तो आपका जो ब्लैडर है वो मैसेज भी दे रहा है ब्रेन को। उसके बाद आपने क्या किया, दिस इज द लास्ट पोर्शन, आपका जो यूरिथ्रा है दैट हेल्प यू टू पास आउट द यूरिन। यूरिन कहाँ स्टोर हुआ? यूरिनरी ब्लैडर में। एंड दैट विल क्रिएट अ प्रेशर दैट लेड टू अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरिथ्रा के थ्रू आपको ब्लड यूरिन पास करना है। ब्लैडर इज मस्कुलर एंड इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, और नर्व्स के कंट्रोल में होता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिन जो है वो फिर लास्ट में पास आउट हो जाता है थ्रू द यूरिथ्रा। तो यहाँ पे आपका जो यूरिनरी सिस्टम है वो इस तरह से वर्क करता है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको दो तीन वर्ड याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे ग्लोमेरुलस आया है आपका, बोमन कैप्सूल आया है आपका, नेफ्रॉन वर्ड याद रखना है। नेफ्रॉन वर्ड जो आपका है वो बता रहा है कि किस तरह से आपके पास एक कैपिलरीज, थिन वॉल कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, एक क्लस्टर है, वो क्लस्टर के अंदर पोर्स है। इसीलिए तो लिखा है यहाँ पे कि थिन वॉल्ड है, कि उनके थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस चलेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चलेगा। और अगर पीसीटी की बात करूँ तो री एब्जॉर्प्शन चलेगा, किस चीज का? सॉल्ट्स का, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का, वाटर का री एब्जॉर्प्शन चलेगा। देन यूरिन विल फॉर्म, देन इट गेट स्टोर, इट पास थ्रू द यूरेटर्स, इट गेट स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर अर्ज यू टू पास इट आउट थ्रू द यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के थ्रू आपका यूरिन जो है वो बॉडी से पास आउट हो जाएगा। सो हियर आई एंड माई वीडियो, दैट इज एक्सक्रीशन। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट मैक्सिमम विद योर फ्रेंड सो दैट दे कैन गेन हेल्प। थैंक यू बच्चे, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू बेटा।